पुष्टिकरण ही कांग्रेस की टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। पुष्टिकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीन कर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है। हाईकोर्ट से उनको सरकार मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है। मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलेजी खुल गई है, लेकिन तुष्टिकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय अब वो ये कह रही कि मैं ये फैसला नहीं मानती, ये फैसला लागू नहीं होगा, कि ये संविधान का अपमान नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को समझती क्या है? क्या वो संविधान के ऊपर? आजादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। ये अहंकार की और अराजकता की पराकाष्ठा है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, कल राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं ये कहा एक कार्यक्रम में जिसका नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन। उन्होंने साफ कहा कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। मैं अंदर रह के सिस्टम को देखता हूं, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, बाद में मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से ये कह रही है कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पिछड़े वर्ग की विरोधी है। सच आखिर सामने आ ही जाता है और कल राहुल गांधी ने इस सच को स्वीकार किया। कब तक गरीबों के साथ अन्याय करेगी कांग्रेस और पिछड़े वर्गों के खिलाफ? जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो किसी से छुपा नहीं। 40 साल तक ओबीसी कमीशन को कांग्रेस ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ये काम अगर किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने तो दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो या आदिवासी हो, उनके हक पर
हमेशा नाका डालने का काम किया। कांग्रेस शासित राज्यों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कर्नाटक में भी ओबीसी के हकों पर डाका डालकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पाप किया, अपराध किया। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। बाबा साहब ने तो कांग्रेस का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस का कदम कदम पर विरोध किया। बाबा साहब चुनाव न जीत जाए, चुनाव जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई बार रोड़े अटकाए। पंडित नेहरू और इंदिरा जी को तो उनके जीवित रहते ही भारत रत्न मिल गया था, बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस ने बाबा साहब के तैल चित्र को भी संसद में लगने नहीं दिया था। बाबा साहब ने पंजाब की एक रैली में कहा था, पंडित नेहरू ने दलितों पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। शुरू से कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी नहीं है, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो और चाहे सज्जर कमेटी, हर बार दलित पिछड़े और आदिवासियों का हक छीनने की साजिश रखी गई। कांग्रेस का पूरा कालखंड ऐसे ही पापों से भरा हुआ है और वो पूरा का पूरा सच अब राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है। और आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सारे घटक दल इसी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का हक मारने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिसने अभी ये कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा, उनको उनके साथ मिलकर इस इंडी गठबंधन में शामिल है भारतीय जनता पार्टी, इस षड्यंत्र को चलने नहीं देगी। और देश की जनता भी सच देख रही है कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीति उजागर हो गई है, अब जनता इसका जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 और एनडीए के साथ 400 सीटें पार करके अपनी सरकार बनाएगी।